वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ जयपुराण, जयपुराण बाय जयरामपुरा। हमारा फर्स्ट एपिसोड था लाइफ ऑफ द्रौपदी एंड हाउ वीमेन्स लाइव्स आर कनेक्टेड टू द्रौपदी, यानी कि औरतों की लाइफ द्रौपदी की लाइफ से कैसे कनेक्टेड है। इन दिस एपिसोड आई हैव कम अप विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ राम एंड हाउ एन आइडियल मैन शुड बी, एक आदर्श पुरुष कैसा होना चाहिए। व्हाई राम इज एन आइडियल मैन, राम एक आदर्श पुरुष क्यों है। जब हम भगवान श्री राम की बात करते हैं तब हमारे मन में सबसे पहले एक ही चीज आती है, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। उनके जीवन के ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो उनको पुरुषोत्तम बनाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, कोई जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान होता है। राम जी जन्म से क्षत्रिय थे, राजा बनना तय था, वनवास भी सह चुके थे और फिर भी उनके वर्तन और आचरण में कहीं कोई फर्क नहीं। आपके आदर्श ही आपको आदर्श पुरुष बनाते हैं। लेट्स एनालाइज द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ राम्स लाइफ। राम एन आइडियल मैन टीचेस अस हाउ मैन शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स। राम एक आदर्श पुरुष हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने सिद्धांत को कैसे फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आइडियल सन एंड स्टूडेंट, यानी आदर्श पुत्र और विद्यार्थी। सबसे पहले कहानियां यही कहती है कि राम जब गुरुकुल में पढ़ाई करने गए थे तब वो काफी होशियार थे और तेजस्वी विद्यार्थी थे, और ऑफ कोर्स आज्ञाकारी भी। ही वॉज सो टैलेंटेड दैट उनकी शिक्षा पूरी होने पर गुरु विश्वामित्र ने असुरों का नाश करने के लिए उनको और लक्ष्मण को चुना और अपने साथ ले गए। उनके गुरु ने उनमें विश्वास जताया। अब बात आती है आदर्श बेटे बनने की, तो राम ने वो फर्ज भी निभाया। बीइंग अ सन, हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वी टेक ओवर फादर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉलो व्हाट ही कमांड्स। हम पिता की सारी जिम्मेदारी उठाएं और उनके आदेश का पालन करें। राम ने ये दोनों बिना सवाल किए किया। जब उनको शादी के बाद राज्याभिषेक करके राजा बनाना था और पूरे अयोध्या की जिम्मेदारी उठानी थी, ही अग्रीड विदाउट क्वेश्चन। अब बहुत से लोग कहेंगे कि राजा बनने के लिए कौन मना करेगा, लेकिन राजा की पदवी के साथ राज्य की जिम्मेदारी भी आती है। दूसरा था पिताजी का आदेश। जिस दिन राजा बनना था उस दिन सुबह आदेश मिला 14 वर्ष के वनवास का। बिना कुछ पूछे, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के वो वनवास जाने को तैयार हो गए। हमने कभी अपने पिता की बात को बिना पूछे माना है, सोचिए। दूसरा, आइडियल ब्रदर टू हिज ब्रदर्स, यानी आदर्श भाई अपने छोटे भाइयों के लिए। राम वॉज एन एल्डर ब्रदर, यानी कि सबसे बड़ा भाई। उन्होंने गुरुकुल से लेके बड़े होने तक और बड़े होने के बाद भी अपने छोटे भाइयों का ध्यान रखा है। Initially he was not ready कि लक्ष्मण उनके साथ वनवास आए, but for sake of love and devotion उन्होंने लक्ष्मण को अपने साथ आने दिया। In addition his throne, उनकी राजगद्दी छीन गई और भरत को चली गई। He did not even raise a question on that, बल्कि वो खुश थे कि उनका छोटा भाई राजा बन रहा है। हम में से कितने लोग अपने भाई बहन की तरक्की देख के खुश होते हैं जब हम खुद तरक्की नहीं कर रहे या किसी एवरेज लेवल पे है। आइडियल ब्रदर टू हिज सिस्टर, यानी आदर्श भाई अपनी बड़ी बहन के लिए। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि राम से पहले कौशल्या ने एक पुत्री को जन्म दिया था जिसका नाम था शांता। शांता को अंग नाम के प्रदेश के राजा ने गोद लिया था और शांता की शादी एक ऋषि से कर दी गई थी। इसके पीछे अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी ऐसी है कि जब राम को ज्ञात हुआ इस बारे में तो उन्होंने शांता से मिलने की इच्छा जताई। शांता जो महल और माता पिता त्याग चुकी थी, उन्होंने वहां आने से मना कर दिया। राम ने उनकी परिस्थिति और निर्णय समझते हुए उनसे आशीर्वाद लिया और अपने राज्य लौट गए। लेकिन इस बीच उन्होंने मन की कड़वाहट को दूर कर दिया। जब बात बहन और उसकी शादी के बाद उसकी नई दुनिया की आती है, तब सोचिए कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसकी दुनिया क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है, और उसके अनुसार उसको अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता और हौसला दोनों दीजिए। आइडियल फ्रेंड, आइडियल टू हिज डिवोटीज, यानी अपने भक्त और मित्र के लिए आदर्श। राम भगवान है,
और उनके भक्त भी कई सारे हैं। भक्त को जितना प्रेम भगवान के लिए होता है, उतना ही भगवान का प्रेम भक्त के लिए भी होता है। लेट्स रिमेंबर टू ऑफ द बेस्ट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड राम। एक है हनुमान, दूसरे है शबरी। भगवान राम ने हनुमान को भक्त के साथ साथ अपना मित्र माना है एंड हमेशा उनमें विश्वास जताया है। जैसे कि सीता की खोज में सब निकले थे, तब राम ने अपनी अंगूठी हनुमान को दी और उनको कहा कि अगर आपको सीता मिल जाए तो उन्हें ये अंगूठी दे देना। ये एक विश्वास ही तो है। और शबरी ने जब राम के स्वागत के लिए मीठे बेर खुद चख के अलग रखे थे, राम जी ने वो बेर खुद खाए और शबरी की भक्ति का सम्मान और बढ़ाया था। सो आपका कभी कोई एडमायरर, कोई तारीफ करने वाला, आपको मानने वाला मिले तो खुद अभिमान करने के बदले नम्रता से उसको इम्पोर्टेंस दो। उनको जताओ कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो आपका प्रशंसक नहीं रहेगा, आपको समर्पित हो जाएगा। ओह बाय द वे, प्रशंसक ढूंढने के लिए पहले लायक बनना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में कॉलम में पैसे देकर तारीफ नहीं छपवानी है, खुद कुछ करके तारीफ हासिल करनी है। ओके, नेक्स्ट, आइडियल वॉरियर यानी कि आदर्श योद्धा। जैसे कि हम जानते हैं, राम सर्वश्रेष्ठ योद्धा में से एक थे। क्षत्रिय कुल के होना और योद्धा होना एक आम सी बात थी, लेकिन इतने शक्तिशाली होते हुए भी राम ने कभी अभिमान नहीं किया और ना ही किसी कमजोर पे वार किया है। तारका का वध करने के बाद उसके दोनों पुत्र मारिच और सुबाहु को उसका अंतिम संस्कार करने के लिए राम जी ने उनको पूरा समय और मौका दिया था। जब रावण ने सीता का हरण किया था, तब भी उन्होंने अंगद को दूत बना के भेजा था और कहा था कि अगर सीता जी को सम्मान के साथ वापस भेज दिया जाए तो वो लंका के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। इसके अलावा सुग्रीव और बाली की लड़ाई तो याद ही होगी। उन्होंने सुग्रीव को मदद का वचन दिया था, लेकिन सुग्रीव की विनती का मान रखते हुए उन्होंने तब तक बाली पे हमला नहीं किया जब तक सुग्रीव के प्राण संकट में नहीं थे। हालांकि ये एक ऐसी घटना थी जिसमें राम ने छुप के वार किया था। एक योद्धा ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन राम ने अपने इस कर्म की सजा अगले अवतार में यानी कृष्ण अवतार में भुगत ली। आज भालका तीर्थ के नाम से प्रख्यात स्थल है, वहां कृष्ण को जिस पारधी ने तीर मारा था वो पारधी बाली का ही अगला अवतार था। जब बात शक्ति की आती है, तब ये जान लो, आप तब तक शक्तिशाली है जब तक आप उसका सही इस्तेमाल करते हो, और आपकी शक्ति का असली उपयोग तभी है जब वो कमजोर लोगों की रक्षा में काम आए और ना कि उनको सताने में। सही मायने में आप वीर तभी हो जब आप में हमला करने की शक्ति हो, लेकिन आप वहां क्षमा कर दे। क्षमा वीरस्य भूषणम। नेक्स्ट, आइडियल हस्बैंड यानी आदर्श पति। राम एक आदर्श पति थे। हाँ, आई नो कि कुछ जानकार लोग अग्नि परीक्षा और घर से निकाले जाने वाली बात को याद कर रहे होंगे, उस मुद्दे पे भी आते हैं बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल, राम एक आदर्श पति है, उसका एग्जाम्पल मिलता है उनके सीता को दिए गए पहले वचन से। विवाह के बाद राम ने सीता को वचन दिया था कि उनके जीवन में सिर्फ एक ही स्त्री रहेगी और वो है सीता। उस जमाने में राजा और क्षत्रिय एक से ज्यादा पत्नी रखते थे। नियरेस्ट एग्जाम्पल, राम के पिता राजा दशरथ, जिनकी 3 रानी थी। लेकिन राम जी ने सीता को एक पत्नी तो का वचन दिया और निभाया भी। जब शूर्पणखा वन में राम पे मोहित हो गई और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, तब राम ने बड़ी विनम्रता से उसका अस्वीकार किया और कहा कि वो विवाहित है और उनकी पत्नी है सीता। जब सीता को अयोध्या से निकाला गया, तब भी वो वर्षों तक अकेले रहे थे और कभी दूसरी स्त्री का सहवास स्वीकारना तो दूर, उसके बारे में सोचा भी नहीं था। क्या हम इतने लॉयल रह सकते हैं? लॉयल्टी इज नॉट सो इजी। लेकिन मार्क दिस वर्ड्स, चीट करने के बाद जब रियलाइजेशन होता है, वो गिल्ट भी किसी सजा से कम नहीं होती। अब आगे बढ़ते हैं वनवास की तरफ। जब सीता ने वो सुवर्ण मृग मांगा था, आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि वो सुवर्ण मृग लेने ना गए होते तो इतनी बड़ी रामायण और इतना लंबा वीरा ना होता। लेकिन सोचिए, आपका विवाह हुआ, आपकी पत्नी ने आपसे कुछ नहीं मांगा, आपके वनवास में खुद महल और सुख शांति त्याग करके आपके साथ चली आई, आपके दुख को अपना लिया, और ऐसे में एक छोटी सी इच्छा वो प्रकट करे तो आप वो पूरी करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे या नहीं? बस यहीं से उसका जवाब मिल जाता है। अब आगे की सारी घटनाओं का आपको ज्ञान ही है कि
कि कैसे सीता को वापस लाने के लिए राम ने पंचवटी, जो आज के नासिक के पास है, वहां से यात्रा आरंभ की और दक्षिण तक गए थे, रावण से लड़ाई की और सीता को वापस लाए। खैर, ये तो हर कोई करेगा, लेकिन ये जो तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ की भावना है ना, और उसको सार्थक करके दिखाना, यही प्रेम है। अब आते हैं सीता की अग्नि परीक्षा पे। लोग ये कहते हैं कि सीता इतने समय लंका में रह के आए थे, तो उनकी पवित्रता को साबित करने के लिए उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। लेकिन आप में से हार्डली कोई ये जानता होगा कि इसकी एक और कहानी भी है। एक लेजेंड कहती है कि जब रावण ने सीता का हरण किया था, तब अग्नि देवता ने सीता का एक इल्यूजनरी यानी कि भ्रमित कर देने वाला स्वरूप माया सीता या छाया सीता बनाया था, जिसको रावण सीता समझ के हरण करके ले गया, और असली सीता उस समय के दौरान अग्नि में छुपे हुए थे। जब राम ने सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा, तब माया सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और असली सीता वहां से बाहर आ गए। एक लेजेंड कहती है कि माया सीता अग्नि में समा गई, और दूसरी कहानी कहती है कि माया सीता ने अगले युग में द्रौपदी बन के अग्नि से जन्म लिया। अब कहानी के हिसाब से राम जी माया सीता की सच्चाई जानते थे, और इसलिए उन्होंने सीता को अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा। इस कहानी को फॉलो करें तो एक मतलब ये भी है कि राम ने पूरा ध्यान रखा कि माया सीता रावण के बंधन से मुक्त हो, और राम ने ये भी ध्यान रखा कि माया सीता उसकी असली पत्नी नहीं है, तो वो उनको अयोध्या ना ले जाए। आदर्शवादी बनना और आदर्श फॉलो करना इतना आसान नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आइडियल किंग, राजधर्म यानी आदर्श राजा और राजधर्म का पालन। अब आते हैं उस हिस्से पे जहां राम ने सीता का त्याग किया था और उनको अयोध्या से निष्कासित किया था। जब राम और सीता वनवास से लौटे, तब राम को राजा बनाया गया और सीता उनकी रानी बनी। वहीवट और राजकारभार बहुत अच्छे से चल रहा था, इसीलिए आज कहावत है ना, राम राज्य और प्रजा सुखी। लेकिन एक अच्छा राजा हर एक को खुश नहीं रख पाता। आप हर मेढक को एक ही तराजू पे नहीं तोल सकते। इसी प्रकार अयोध्या के कुछ लोग सीता के रानी बनने पे खुश नहीं थे, क्योंकि वो इतने समय लंका में रह के आए थे। सीधी सी बात है, उनकी पवित्रता पे सवाल उठाए जा रहे थे। एक बार एक धोबी ने अपनी पत्नी, जो एक पूरी रात घर नहीं आई थी, उसको ये कह के निकाल दिया और छोड़ दिया कि मैं राम की तरह कायर नहीं जो रात भर घर ना आए ऐसी पत्नी को वापस घर में लूं। यहां से लोकल लोगों में सीता को रानी बनाने के डिसीजन को लेकर और उनकी पवित्रता के बारे में चर्चा शुरू हुई, और सीता के ऊपर उठते प्रश्न का जवाब सुनने के लिए जैसे प्रजा तैयारी नहीं थी। राम ने लक्ष्मण से कहा कि एक राजा होने के नाते प्रजा को खुश रखना और संतुष्ट रखना उनका कर्तव्य है, लेकिन इससे ज्यादा महत्व की बात यह है कि सीता की पवित्रता किसी भी प्रकार की अफवाह और लोगों के गप से कई ज्यादा ऊपर है। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि सीता को अयोध्या के बाहर किसी स्थान पे छोड़ आए। इस वक्त सीता गर्भवती थी। ये होने के पीछे भी एक शाप कारण बना। एक लेजेंड कहती है कि बचपन में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम से सीता तोता और तोती की जोड़ी अपने साथ ले आई थी। वो तोता और तोती ऋषि वाल्मीकि के आश्रम से सुनी राम की कहानी की बात कर रहे थे, और सीता जो पक्षियों की भाषा जानती थी वो उन्हें अपने साथ ले आई। तोते और तोती ने विनती की कि उनको वापस आश्रम जाने दिया जाए, क्योंकि तोती गर्भवती थी। लेकिन सीता ने सिर्फ तोते को जाने दिया, और उसके विरह में तोती की मृत्यु हो गई। तोते ने सीता को ये शाप दिया कि उसे भी ऐसी स्थिति में अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। कहानी कहती है कि वो तोते ने धोबी बन के दूसरा जन्म लिया था। राम ने जब सीता को अयोध्या से निकाला, तब वो भी खुश नहीं रहे होंगे, लेकिन उन्होंने इतना कड़ा डिसीजन लिया। हालांकि आप चाहो तो इसका विरोध कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, सबकी अपनी सोच होनी चाहिए। राम जी के राजधर्म का एक और उदाहरण तब मिलता है जब वो दशरथ के आदेश का पालन करते हुए वन में चले जाते हैं, और जब भरत उन्हें मनाने आते हैं, तब वो भरत को अगला राजा होने के नाते राज्य संभालने को कहते हैं। यहाँ उनका राज्य के प्रति प्रेम दिखता है कि राजा कोई भी हो, राज्य का कारभार सही से चलना चाहिए। अब आता है वनवास और वर्च्यू यानी के गुण।
राम जी के वनवास से उनके कुछ गुणों का पता चल जाता है, जैसे वचनबद्धता। पिता का माता कैकेयी को दिया हुआ वचन उन्होंने खुद निभाने के लिए दुख उठाना स्वीकार किया। आज्ञा पालन, बिना कोई सवाल किए माता और पिता की आज्ञा का पालन किया। निर्णय शक्ति, त्वरित निर्णय लिया कि वनवास की आज्ञा मिली है तो वो तुरंत ही जाएंगे और भरत ही राजा बनेगा और वो राज्य संभालने के काबिल भी है। सेक्रीफाइस यानी कि त्याग, इतना बड़ा त्याग करने में उनको जरा सा भी दुख नहीं हुआ। परिस्थिति का स्वीकार, जहां आप राजा बनने वाले हो उसके बदले आपको राज्य छोड़ना पड़ता है, यानी परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। मानसिक स्थिरता, विकट परिस्थिति आने पर भी वो शांत और संयमित थे। दृढ़ता, जब इस निर्णय का स्वीकार हो गया तो वो दृढ़ थे कि उनको 14 वर्षों का वनवास पूरा करना है। ये सारे गुण होना, डेवलप करना या उसको फॉलो करना, सच में महानता चाहिए इसके लिए। ये बातें शायद सुनने में अच्छी लगती है ना, पालन करना उतना ही मुश्किल है। ट्रस्ट मी, सिर्फ एक दिन अपना गुस्सा छोड़ के शांति प्रिय बन के देखिए। मैं भी नहीं कर पाता। महान बनना डेस्टिनेशन नहीं है, जर्नी है। ये लाइफ टाइम का सफर है जिसमें आप रोज अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। गलतियां होती है, सबसे होती है, लेकिन उसका एक्सेप्टेंस, रिपेंट एंड रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार, रिपेंट यानी प्रायश्चित और रेक्टिफिकेशन यानी सुधारना। यही आपको उस गलती से कुछ सिखा सकता है। दिस रामनवमी यू कैन स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स बीइंग पुरुषोत्तम। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड दिस मे 1st, यानी कि इस मे महीने की पहली तारीख को जय पुराण के दोनों एपिसोड और आने वाले एपिसोड्स के लिए मैं एक सरप्राइज लेके आ रहा हूँ। मार्क द डेट, कीप फॉलोइंग मी एंड शेयर विथ योर बिलव्ड वंस। Also, I will see you in the next episode with new topic. Until then, keep listening to Jai Puran.